गठबंधन की जो बिरयानी है वो पकने का नाम नहीं ले रही है। पीएम फेस को लेकर, शीट शेयरिंग को लेकर, रैलियों को लेकर, बैठकों को लेकर अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों से रहा नहीं गया। बानू गैंगरेप केस के दोषियों को फिर से जेल जाना होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। नमस्कार, न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत एट नाइन में आज हम तीन बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में बने रहे। सबसे पहले गठबंधन की बिरयानी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि गठबंधन की जो बिरयानी है वो पकने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। मीटिंग्स भी हो चुकी है, मुलाकात का दौर भी जारी है, जहां एक तरफ नीतीश के घर सीपीआई नेता पहुंचे तो वहां पर भी अभी कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आई है। वहीं सुबह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी बैठक हुई है दिल्ली को लेकर और पंजाब को लेकर, अभी भी कुछ रास्ता क्लियर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए आज एक बैठक की और बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी मांगों और प्रस्तावित संबंधित दस्तावेज साझा किए। खबरों की माने तो ये बैठक सकारात्मक है। अब कितनी सकारात्मक होंगी ये तो खैर वक्त बताएगा। दोनों पार्टियों ने उन रणनीतियों और सीटों की संख्या के बारे में चर्चा की है जिन पर वो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना चाहती हैं। दोनों पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करके एक बार फिर आमने सामने बैठेगी, यानी कि आज की बैठक में भी कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है, अभी और बैठक होगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जहां बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से तैयार मान रही है, तो वहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देने के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ है, जो ये कह रहा है कि अब बीजेपी को पूरी तरह से हटा देंगे, उस गठबंधन में अभी तो कुछ भी तय नहीं हो पाया है। पीएम फेस को लेकर, शीट शेयरिंग को लेकर, रैलियों को लेकर, बैठकों को लेकर अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। आज जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बैठक हुई है उसमें भी अभी एक और बैठक होनी है, आमने सामने बैठकर ये बैठक होगी। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, सब कुछ ठीक नहीं है। इन दोनों ही पार्टियों में पहले से ही काफी ज्यादा रंजिशें कहें तो देखी जा रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूसरे दौर की बैठक 11 या 12 तारीख को हो सकती है। अगली बैठक में सीट बंटवारे और ठोस चर्चा होने की संभावना है। बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए थे। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश की 5 सदस्य समिति ने बैठक में हिस्सा लिया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने इसी समिति को इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात करने के लिए अधिकृत किया है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली भी बैठक में शामिल हुए थे। बातचीत के बाद कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि चुनाव के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को करारा जवाब भी देंगे। उन्होंने कहा कि हमने आगामी चुनावों के लिए कई मुद्दों पर एक बैठक की है, बातचीत जारी रहेगी, हम फिर से मिलेंगे, उसके बाद ही हम सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लेंगे। अगर दिल्ली की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर ये कहा था कि दिल्ली में अब कांग्रेस को जगह नहीं दे सकते, ना ही पंजाब में। लेकिन आज जो बैठक हुई है उससे कहीं ना कहीं सकारात्मकता जो है वो देखी जा रही है। हर चीज पर विस्तार से चर्चा हुई, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को करारा जवाब देंगे। इसी बीच महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक की कल अहम बैठक हो सकती है। इसमें शिवसेना यूपीटी की ओर से संजय राउत और विनायक राउत शामिल होंगे। एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल भी मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण शामिल होंगे। इस मीटिंग में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। इंडिया ब्लॉक ने पहले 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब तक इस फैसले पर कोई भी मुहर नहीं लग पाई है। अब ऐसे में जिस तरह से हलचल बढ़ गई है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत जल्द इसी सप्ताह हो सकता है कि इंडिया ब्लॉग में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो जाए। फिलहाल तो बिरयानी में सारे मसाले डाले जा रहे हैं, बिरयानी कितनी स्वादिष्ट बनेगी इसका इंतजार है। अगले मुद्दे का रुख कर लेते हैं। अगला मुद्दा है लक्षद्वीप बना मालदीव, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है और इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इसकी हो रही है।
दरअसल सोशल मीडिया पर इस समय लक्षद्वीप बना मालदीव की एक जंग छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा के बाद यह बहस शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा से अटकलें लगी है कि मालदीव के पेच कसने के लिए भारत अपने द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भी वैकेशंस की बात होती है जो एक ऊंचा तबका है वो मालदीव की तरफ भागने की कोशिश हमेशा से ही करता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है कि मालदीव की तरह लक्षद्वीप को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि लक्षद्वीप में भी बहुत सुंदर सुंदर टापू हैं, द्वीप हैं और वहाँ पर बीचेस भी काफ़ी सुंदर हैं और साफ सुथरे हैं, इसलिए इस यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ये हुआ क्यों, इसके तह तक भी जाएंगे। दरअसल लक्षद्वीप गूगल सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कीवर्ड इन दिनों नज़र आ रहा है। शुक्रवार से लेकर अब तक लाखों लोगों ने इसे सर्च किया है और इसकी वजह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट भी रही है, जिसमें उन्होंने इस जगह की आश्चर्यजनक तस्वीरें गर्मजोशी के बारे में वहां के लोगों के लिए लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़काने का काम मालदीव के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों से रहा नहीं गया और भारतीयों ने बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेन करा दिया। दरअसल भारतीयों को गंदा कहते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गई थी। इसमें जाहिर रमीज और मरियम शुआना खासतौर से अपने कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के टारगेट पर आ गए। इसी का नतीजा था कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। अब भी मालदीव्स काफी ज्यादा ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी विवाद के बीच कुछ भारतीयों ने दावा किया है कि कई लोगों ने मालदीव जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान देने की बात कही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मालदीव बॉयकॉट होता रहा तो क्या इसका असर लक्षद्वीप पर पड़ेगा? क्या लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे और वहाँ जाकर खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आएंगे? मकसद तो यही है, लेकिन इसका असर कितना होता है ये तो नजर आएगा। लेकिन फिलहाल फिल्मी सितारों पर इसका काफ़ी ज़्यादा नज़र जो असर है वो नज़र आ रहा है और इसके अलावा आम लोग भी कहीं ना कहीं मालदीव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर इस पैकेज की पूरी हम बात करें, ट्रिप पैकेज की, टूर ट्रिप की हम बात करें पैकेज की, तो मालदीव के मुकाबले लक्षद्वीप को काफ़ी ज़्यादा इसके रेट में अंतर कहीं ना कहीं रखा गया है, ताकि जो पर्यटक हैं, जो घूमने के शौकीन हैं, वो और ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हों। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, जो कि मालदीव के हैं, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने नेताओं को, जो इस वक्त नेता हैं, जिन्होंने किस तरह की टिप्पणी की थी भारतीयों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर एतराज़ जताया। मोहम्मद नशीद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम शुआना कितनी भयावह भाषा बोल रही हैं वो नहीं जानती हैं। सहयोगी देश के नेता हैं वो, जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। शायद अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि अगर आप भारत को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर जो पूरे साल भारतीय मालदीव जाते हैं और आपके टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं और आपकी कमाई का जरिया बनते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे छीना भी जा सकता है, जिस तरह से हैशटैग बॉयकॉट मालदीव चल रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो था आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल गुजरात के बिल्किस बानू गैंगरेप केस के दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार के जल्द रिहाई के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि वो इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को एक फ्रॉड एक्ट करार दिया था। अब दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर भी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरथाना और उज्जवल भुया की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका वैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उस पर एक नज़र डाल देते हैं। दरअसल इसमें कहा गया कि इस अदालत में धोखाधड़ी का खेल खेला गया है। इस अदालत की ओर से गुजरात सरकार को छूट पर विचार करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ये एक धोखाधड़ी का कार्य है। हम मानते हैं कि इस अदालत के समक्ष फैक्ट को छिपाया गया या अदालत में धोखाधड़ी की गई है। इस तरह हम मानते हैं कि इस अदालत का 13 मई 2022 का आदेश सही नहीं था और कानून में आम मान्य था। इसके अलावा 2 हफ्ते के भीतर जो कि आरोपी हैं इन्हें सरेंडर करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर और बड़ा एक्शन लिया जाएगा।
बिल्किस बानो केस क्या है। दरअसल जब गुजरात में दंगे हुए थे, कूचराकांड हुआ था, तब भारी संख्या में दंगे हुए और इन्हीं दंगों की चपेट में आ गए बिल्किस बानो, जो उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी। अपनी जान बचाने के लिए परिवार के साथ इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो आरोपी बनाए गए उन्हें ढूंढ निकाला। बिल्किस बानो के साथ कहा जाता है कि गैंगरेप किया गया, क्रूरता की हद पार की गई और साथ ही साथ उसकी मासूम बच्ची को भी मार दिया था। उसके परिवार के 9 से ज़्यादा सदस्य इस पूरे हादसे का शिकार हुए थे। जो लोग बचे थे वो लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां बिल्किस बानो केस में फैसले को पलट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उस खेमे में खुशी की लहर है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जब आरोपी बाहर आए थे तो उनका फूल माला पहनाकर मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया गया था। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बॉयकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो पूरी तरह से सही ही होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण आज टॉपिक्स थे जिस पर हमने भारत एट 9 में चर्चा की है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो कितना सही है। साथ ही साथ लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव जो चल रहा है, इसमें जीत किसकी होगी और आप किसके साथ हैं, और इसके अलावा इंडिया अलायंस में जो बिरयानी बन रही है वो कितनी स्वादिष्ट होने जा रही है। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद।